जी आदिल, आप हमें सुन सकते हैं? सदीका, आदिल गालिबन हमारी आवाज़ सुन नहीं पा रहे कुछ तकनीकी वजूहत की बिना पर। ये नीम पुख्ता सड़क है जहाँ पर ज़ोरदार धमाका हुआ। इब्तदाई तौर पर यह कयास किया जा रहा है कि गाड़ी में नस्ब किया गया था, जो सिक्योरिटी काफिले के करीब पहुँचने पर धमाके से उड़ा दिया गया। इर्द गिर्द मौजूद गाड़ियों दुकानों को शदीद नुकसान पहुँचा और आप देख सकते हैं कि मलबा बिखरा हुआ है। गाड़ियाँ थी आदिल हमारे साथ ही मौजूद रही है, इसके साथ मोटर शेल जो है वो एक निकाला जा रहा है। ये धमाका किया गया है, तीन एसटी की गाड़ियाँ उस वक्त यहाँ से गुजर रही थी जिस वक्त उसको निशाना बनाया। एक देख रहे हैं जब जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। एक बार फिर बात करेंगे जिनके नुमाइंदे आदिल परवेज से। आदिल, इस वक्त हमें बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहना है बम डिस्पोजल स्क्वाड के अहलकारों का, क्या नौयत थी धमाके की, और इसके अलावा जो पुलिस अहलकार वहां पर मौजूद हैं वो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बम डिस्पोजल यूनिट ने अपनी रिपोर्ट जो है आपसे कुछ देर पहले एसपी रूरल शकीला को पेश कर दी है। उसके मुताबिक 40 किलोग्राम बारूदी मवाद है।